भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नदियों के आज हम देखेंगे कि भारत की नदियों को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इन सब के बारे में हम बताएंगे। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को अभी तक अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोगों का हौसला और बढ़ सके। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको मेरा चैनल कैसे सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आपको यूट्यूब के टास्क बार में जाना है। यूट्यूब के टास्क बार में जैसे आप सर्च करेंगे तो न्यू उत्कर्ष आईएएस इस तरीके से खुल जाएगा, और जैसे आप न्यू उत्कर्ष आईएएस टाइप करेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पर लिखेगा सब्सक्राइब, और जैसे आप सब्सक्राइब पे ओके करेंगे तो यहाँ पर एक बेल बन के आ जाएगी। तो सबसे पहले आप अंदर चले जाइए यूट्यूब में, और जैसे आप सब्सक्राइब कर देंगे यहाँ पे एक बन के आ जाएगा जिसको हम बेल आइकन, बेल आइकन को दबाने का फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी नोटिफिकेशन हम लोगों के चैनल संबंधित आएंगे वो आपको दिखते रहेंगे, मतलब कि आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले मैं नदियों को डिवाइड कर दूँ कि कितने पार्ट में पढ़ा जा सकता है भारत की नदियों को। भारत की नदियों को सुविधा की दृष्टि से हम पढ़ सकते हैं दो पार्ट में, एक उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरा दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ। तो हम उत्तर भारत की नदियों के बारे में देखेंगे तो इसको हम तीन पार्ट में पढ़ सकते हैं उत्तर भारत की नदियों को। उत्तर भारत की नदियों में कहने का मतलब एक तंत्र सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है यहाँ पे गंगा नदी तंत्र, और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मतलब कौन कौन से तंत्र? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये उत्तर भारत की नदियों का तंत्र है, उत्तर भारत की नदियाँ। फिर अगर जो हम दक्षिण भारत की नदियों का तंत्र देखेंगे तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दक्षिण भारत की नदियों को, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां। दक्षिण भारत में दो पार्ट में, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक अरब सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दो पार्ट में इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे। लेकिन इन नदियों को सुविधा की दृष्टि से जो मैंने बांटा है, तो सबसे पहले हम आज शुरुआत करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र का मतलब सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करती हैं जिसको हम सिंधु नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी तंत्र की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? देखिए, परीक्षाओं में प्रश्न इससे बहुत आते हैं सिंधु नदी तंत्र से। प्रश्न किस तरीके से बनेंगे, कौन सी सहायक नदी नहीं है, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ किन किन देशों में बहती है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में, चाहे वो छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, जितनी परीक्षाएं सब में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सिंधु नदी तंत्र की, कहाँ से उद्गम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंधु नदी तंत्र में नदियाँ कौन कौन सी हैं। दरअसल आप लोगों ने नाम सुना होगा पंचनद, पंचनद, पंच और नद, पाँच नदियाँ। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं उनको हम देख लेते हैं पहले, तो उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर की तरफ एक नदी बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं सिंधु नदी, यह है सिंधु नदी। सिंधु के बाद में एक नदी है जिसको बोलते हैं झेलम नदी, सिंधु नदी उसके बाद में एक नदी है झेलम नदी, झेलम के बाद में एक नदी है चिनाब नदी, चिनाब के बाद है रावी, रावी के बाद व्यास, व्यास के बाद फिर सतलज। इन सबको मिलाकर के नदियों को पंचनद की संज्ञा दी जाती है, पंचनद, पाँच नदियाँ। तो हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिंधु नदी की। अगर जब इसको नोट भी करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। तो नोट करने का मतलब फ़ायदा ये रहेगा कि आप अगर जो आपको लिखित में भी लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र से, सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी। अब प्रश्न आता है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत की मानसरोवर झील से होता है, तिब्बत की मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अब इसके बाद में कैलाश पर्वत श्रेणी से होते हुए, कैलाश पर्वत श्रेणी से होते हुए फिर भारत में प्रवेश करती है। भारत में जहाँ प्रवेश करती है वो राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद इसमें दक्षिणी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र मतलब कि इसके बाएं किनारे से एक नदी आकर के मिलती है जिसको बोलते हैं जास्कर नदी, जास्कर, जास्कर नदी जास्कर श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? जास्कर श्रेणी से निकलती है। अब उसके बाद और अगर जो आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो इसमें नदी मिलती है नुब्रा नदी, नुब्रा नदी, नुब्रा नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्योंकि इसी के पास सियाचिन ग्लेशियर के पास से नदी निकलती है, इसको बोलते हैं नुब्रा नदी। तो इसको याद रखिएगा, नुब्रा नदी, नुब्रा नदी दरअसल जहां से निकलती है। तो कहने का मतलब यहां पे कौन है जिसको बोलते हैं स्योक, स्योक नदी। तो नुब्रा और स्योक नदियां दोनों आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं,
सिंधु नदी। तो जो सियाचिन जाने के लिए आप इसी से होके हुए जाते हैं, नुब्रा घाटी, नाम सुना भी होगा आप लोगों ने, नुब्रा, नुब्रा वैली, तो इसी से स्योक नदी है उसी के बाद में। अब अगर जो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे सिंधु नदी के मैप में देखते जाएगा, थोड़ा सा और अगर जो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक नदी लिखी हुई जिसको बोलते हैं सुरु नदी। ये नदी है सुरु नदी, सुरु नदी, सुरु नदी जो है उसी पर कारगिल लोकेटेड है। मतलब कारगिल अगर जो हम देखेंगे कारगिल, तो कारगिल कहाँ पड़ता है, सुरु नदी के किनारे पे, जहाँ पे सुरु नदी सिंधु नदी से मिलती है वहीं पे कारगिल है। जहाँ पे सिंधु नदी सुरु नदी आपस में मिलेंगी तो वहीं पे कारगिल है। सुरु नदी एक ऐसी नदी है, जैसे कि कोई भी सहायक नदी आप लोग देखते होंगे मैपिंग में, अगर देखेंगे जैसे कोई ये नदी बह रही है तो उसकी सहायक नदी भी उसी के इस तरीके से बहती है, मतलब उसी की धारा की तरफ प्रवाहित होती है। लेकिन सुरु नदी के साथ ऐसा नहीं है, सुरु नदी उसकी उल्टी दिशा में जाते हुए उसमें मिलती है। एक है कौन सी नदी, सुरु नदी जो उल्टी दिशा में जाते हुए अगर इस तरफ, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए इसमें मिलती है, किसमें, सिंधु नदी में, तो इसको याद रखेगा। तो उसके बाद में अगर जो और आगे जाएंगे तब ये नदी की आकृति पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। वैसे ये कौन सा क्षेत्र होता है, पीओके होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे भारत में ही तो ये यहाँ पे दो नदियाँ आके इसमें मिलती हैं, एक गिलगित नदी एक हुंजा नदी है। हुंजा, हुंजा वैली नाम सुना होगा, हुंजा और गिलगित नदियाँ। गिलगित नदी भारत में सिंधु की आखिरी सबसे सहायक नदी, मतलब आखिरी नदी भारत में सहायक नदी है, कौन सी, गिलगित नदी। गिलगित के बाद में आगे चल करके ये नदी फिर कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में, मतलब कि गिलगित सिंधु की सहायक नदी है भारत में, उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो इसमें एक नदी आकर के मिलती है, काबुल नदी, काबुल नदी। और आप लोग जानते होंगे काबुल की सहायक नदी कौन सी है, स्वात नदी, स्वात, स्वात जो है काबुल की सहायक नदी है। इसके बाद में इसमें एक और नदी मिलती है जिसको बोलते हैं गोमल नदी, गोमल, गोमल दर्रा भी पड़े होंगे, मैंने पाकिस्तान के वीडियो में इनके बारे में बताया था, तो गोमल नदी। अब भी आगे चल करके फिर ये कहाँ चली जाती है, अरब सागर में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। तो सिंधु नदी के बारे में इतना इंपॉर्टेंट, अब दोबारा एक बार माइंड मेकअप, मतलब दोबारा देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। अब अगर जो लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत की मानसरोवर झील से होता है। यह नदी जास्कर पर्वत श्रेणी से होते हुए, सॉरी कैलाश पर्वत श्रेणी से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, और यह जास्कर और लद्दाख दोनों श्रेणियों के बीच से होते हुए बहती है। इनकी सहायक नदियाँ बाएँ किनारे से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, सुरु नदी, जास्कर नदी, इसके बाएँ किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं। दाएँ किनारे से मिलने वाली नदियाँ स्योक नदी, नुब्रा नदी, हुंजा नदी, गिलगित नदियाँ हैं। जम्मू कश्मीर के बाद में ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करने के पश्चात इसमें काबुल नदी आकर के मिलती है। उसके आगे चल करके फिर इस नदी में गोमल नदी मिलती है, एवं आगे चल करके ये नदी बंगाल की खाड़ी, सॉरी अरब सागर में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर, या कहें सिंधु नदी के दाएं किनारे पर कराची शहर स्थित है, कराची बंदरगाह, बंदरगाह शहर स्थित है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में समझाइए, इस तरीके से प्रश्न आता है, तब आपको सिंधु नदी के बाद में और भी उसकी जो सहायक नदियाँ इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो जिस तरीके से प्रश्न आता आप उसी तरीके से कर लीजिए। तो सिंधु नदी हो गई, अब सिंधु के बाद दूसरी नदी आती है झेलम नदी, सिंधु के बाद एक नदी आएगी झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, शेषनाग झील से होता है, वेरी नाग है उसी के पास में शेषनाग पड़ता है, शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। ये नदी आगे चल करके जम्मू कश्मीर की वूलर झील में मिल जाती है, जम्मू कश्मीर की वूलर झील में ये नदी आगे चल करके मिल जाती है। जो झेलम नदी पर निर्मित एक गोखुर झील का उदाहरण है, गोखुर झील, तो गोखुर झील क्या होती है, एग्जाम में आपके दिमाग में भी आ रहा होगा गोखुर झील, तो देखिए गोखुर झील होती क्या है। गोखुर झील का मतलब, अगर जो कोई नदी इस अवस्था में चल रही है तो पहले तो पानी जो था वो काफ़ी स्लो स्लो बह रहा है, अगर जो ग्लेशियर से पानी ज़्यादा आने लगे, मतलब नदियों का बहाव क्या हो, तेज हो जाए, तो जब नदियों का बहाव तेज होगा तो सीधी सी बात है, नदियों का बहाव तेज होगा तो सीधे चलने की कोशिश करेगा, कैसी, सीधे चलने की। अब आप कोई हाईवे देखिए, हाईवे में कोई तीखा मोड़ नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसकी रफ्तार तेज है। अब इसी तरीके से सिंधु नदी, मतलब कि झेलम नदी की रफ्तार तो बहुत तेज है, लेकिन वो बह किस तरीके से रही है, इस तरीके से बही, तो जब रफ्तार तेज होगी तो सीधे बहने की कोशिश करेगी,
तो सीधी सी बात है, जब यहां से इस तरीके से बह रही थी तो इसको काटेगी धीरे धीरे, काटने के बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि सीधे बहना शुरू कर देगी। जब सीधे बहना शुरू करेगी तो ये वाला क्षेत्र कैसा हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। यही निर्मित क्या कहलाती है, गोखुर झील। गोखुर झील, गोखुर झील में नदियां एक किनारे से मिलती हैं और दूसरे किनारे की तरफ से निकल जाती हैं। तो जम्मू कश्मीर की उलर झील गोखुर झील का उदाहरण है, झेलम नदी पर। फिर बाद में अगर जो हम देखेंगे इसमें, तो इसकी एक सहायक नदी है किशनगंगा। किशनगंगा परियोजना भी है, तुलबुल परियोजना भी है। तो किशनगंगा परियोजना को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ विवाद भी है, तो विवाद हमें नहीं जानना है, बस इतना जानिए कि तुलबुल परियोजना और किशनगंगा परियोजना झेलम नदी पर ही निर्मित है। फिर बात आती है मुजफ्फराबाद से मंगला तक। मुजफ्फराबाद से मंगला तक ये भारत एवं पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण भी करती है, भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद में बारामूला के पास में करीब, तो वहाँ पे क्या होती है, ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है, झेलम नदी के बारे में, उद्गम कहाँ से होता है और सहायक नदी कौन सी किशनगंगा है, और आगे चल करके फिर मुजफ्फराबाद से मंगला तक ये किसकी सीमा का निर्धारण, भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। और अगर जो हम इसमें देखेंगे तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गोखुर झील जो जम्मू कश्मीर की वुलर झील है वो इसी पर निर्मित है, गोखुर झील का उदाहरण है। तो इसके बारे में इतना ही। अब दूसरा देखिए नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी, चिनाब निकलती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बड़ा लाचला, वहाँ से निकलती है चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, बड़ा लाचला दर्रे से निकलती है। अब बड़ा लाचला दर्रे से निकल रही है, लेकिन अगर जो हम देखेंगे तो इसकी दो धाराएं हैं, दो मुख्य धाराएं हैं, कोई इसका कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं कह सकते हैं। इसकी दो धाराएं कौन कौन सी हैं, एक धारा है चंद्र, दूसरी है भागा। मतलब चंद्र एवं भागा दो नदियों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, चिनाब नदी कहलाती है। चिनाब नदी, चिनाब नदी जो चंद्र एवं भागा नदियां हैं, ये दोनों आपस में तांडी नामक स्थान पे आपस में मिलती हैं। तांडी, तांडी नामक स्थान पे, यही कि तांडी पड़ेगा, तांडी पे एक दूसरे से मिलती हैं चंद्रभागा, और वहीं से चिनाब नदी बनती है। तो इसको याद रखेगा। चिनाब ब्रिज काफ़ी ज़्यादा फेमस है, दुलहस्ती परियोजना, सलाल बांध, तो ये सब किस पे हैं, इसी पर चिनाब नदी पर ही स्थित हैं। तो इनको याद रखेगा, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी के बारे में इतने इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके झेलम नदी जो है चिनाब में ही मिल जाती है, चिनाब में ही। फिर इसके बाद में एक चीज़ और याद रखिएगा, झेलम नदी चिनाब नदी दोनों आपस में मिलती हैं ट्रिम्पू नामक स्थान पे। ट्रिम्पू पाकिस्तान में है, तो उसको याद रखिएगा। फिर नदी आएगी रावी नदी। रावी कहाँ से निकलती है, रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से, रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आता है रावी नदी पे। सबसे पहले ये जानिए कि उद्गम कहाँ से होता है रावी का, रावी रोहतांग दर्रे से। तो इस पे ये प्रश्न आता है। आगे चल करके ये भी सिंधु नदी में क्या होती है, मिल जाती है। वैसे जितनी भी मैं नदियाँ बता रहा हूँ इनपे बहुत सारे बांध भी बने हुए हैं, लेकिन मैं जब बहुउद्देशीय परियोजना कराऊंगा तो इनके बांध के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा कि कौन कौन से बांध इन पे पड़ते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, रावी निकलती कहाँ है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, तो इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद में आपने नाम सुना होगा चंबा। चंबा, चंबा बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। तो कहने का मतलब यह कि चंबा ही रावी के पास में पड़ता है, चंबा, तो इसको याद रखिएगा। चंबा लोग घूमने के लिए बहुत जाते हैं चंबा। फिर देखिए उसके बाद में एक नदी है व्यास। व्यास कहाँ से निकलती है, व्यास जो है रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड एक प्लेस है, मतलब कि रावी और व्यास लगभग पास पास से कुछ ही किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे के पास से निकलती हैं। तो जो निकलती है व्यास नदी, तो व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से होता है, तो इसको याद रखिएगा, व्यास कुंड से। इसी पर फेमस एक आप मनाली सुने होंगे, कुल्लू, इसी के किनारे स्थित है, व्यास के किनारे ही। कुल्लू मनाली व्यास नदी के किनारे पर ही पड़ते हैं। आगे चल करके ये हरिके नामक एक स्थान है, हरिके नामक स्थान पर यह नदी सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी में मिल जाती है, हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। फिर प्रश्न इस तरीके से आता है कि हरिके नामक बैराज जो निर्माण किया गया है, हरिके बैराज,
तो हरके बैराज जो निर्मित है वहीं से एक नहर निकाली गई है, नहर निकाली गई, उसका नाम है नहर का इंदिरा नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर भी है इंदिरा नहर, तो इसको याद रखिएगा इंदिरा नहर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो व्यास हरके नामक स्थान, उसी के पास में एक नाथपा झाकरी परियोजना भी है और इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद में सबसे पहले याद रखिएगा सिंधु नदी तंत्र की एक ऐसी नदी है व्यास जो सिर्फ भारत में ही बहती है, किसी भी हाल में पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। तो व्यास नदी के बारे में इतना ही जानना है। व्यास कुंड से निकलती है, किसकी सहायक नदी, सतलज की सहायक नदी है, हरके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है, तो याद रखिएगा। फिर बात आएगी सतलज नदी की। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है। सतलज नदी वहाँ पर राक्षस ताल नाम का एक प्लेस है, राक्षस ताल वहीं से निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं स्प्रिटी नदी। स्प्रिटी देख लीजिए लिखा हुआ, स्प्रिटी नदी ये यहीं पे आकर के सतलज में मिलती है स्प्रिटी। इसमें प्रश्न पूछा भी गया उत्तर दक्षिण नदियां मिलाने के लिए आता है, तो अगर जो इसमें स्प्रिटी सतलज की सहायक नदी है, तो देखिए इसमें हम देखते हैं निकली कहां से, तिब्बत की मानसरोवर झील से, राक्षस ताल नाम के प्लेस से निकलती है। इसके बाद में सिपकिला दर्रे, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है सिपकिला दर्रे के पास से ये नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करेगी सिपकिला दर्रे के पास से। भारत में प्रवेश करने के बाद ये नदी आगे चल करके फिरोजपुर से फजिल्ला तक याद रखिएगा, ये भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। फिरोजपुर से फजिल्ला तक भारत पाकिस्तान की सीमा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद में ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है थार मरुस्थल से होते हुए। फिर देखिए जब भारत में प्रवेश करती है, अभी तक मैंने ऊपर की सभी नदियां बता दी जो भी नदियां थी, अब जब जितनी भी नदियां थी सब नदियां क्या होंगी, आपस में मिल जाएंगी। जब आपस में मिल जाएंगी तब इसको बोला जाएगा पंचनद। पंचनद कौन सा एरिया, पंचनद मतलब कि जितनी पांचों नदियां मिल गई इसको बोला गया पंचनद। पंचनद फिर पंचनद आगे चल करके, मतलब सभी नदियों के पिछले द्वारा पंचनद आगे चल करके पाकिस्तान के मिथानकोट में मिल जाती हैं। पाकिस्तान एक क्वेश्चन पूछा गया मिथानकोट, तो इसको याद रखिएगा पाकिस्तान के मिथानकोट में मिल जाती हैं। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन याद रखिएगा इसको। और आप नाम सुने होंगे भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध भी सतलज नदी पर ही निर्मित है, इसी के पास में एक झील निर्मित है इस बांध के पीछे। तो मेरा आज का क्वेश्चन इस बांध के पीछे निर्मित झील का नाम क्या है, तो इसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। तो इसके बारे में बस इतना ही, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी इस नदी को लेकर के। लेकिन परीक्षा में प्रश्न दूसरी तरीके से भी पूछा जाता है कि दोआब क्षेत्र क्या है, कभी रेचना दोआब पूछ लेगा, कहीं बारी दोआब, कहीं बिस्त दोआब, कहीं इस तरीके से प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में आ जाते हैं। इस परीक्षा की मतलब किसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक और चीज़ में बता दूं कि इन जो नदियां हैं उनके बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है। दोआब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब। अब देखिए दोआब में कैसे प्रश्न आते हैं, अब मैंने इस तरफ लिखा हुआ है वैसे, लेकिन आप लोग मैं इसमें मैप में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है चेज दोआब, चेज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेज, चेज दोआब, चेज से चिनाब, जा से झेलम, चेज CHEJ, जे से झेलम। तो चेज दोआब चिनाब एवं झेलम नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र है, चिनाब एवं झेलम के बीच का दोआब क्या कहलाता है, चेज दोआब कहलाता है। फिर रेचना दोआब, रेचना दोआब, रे से रावी, चिना से चिनाब, रावी एवं चिनाब नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र क्या कहलाता है, रेचना दोआब कहलाता है, रेचना इन दोनों के बीच का क्षेत्र। फिर है बारी, बारी दोआब जो है बा से ब्यास, रा से रावी, बा से ब्यास और रा से रावी, बारी और व्यास, बारी व्यास नदियों के जो व्यास और रावी नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है बारी दोआब। फिर उसके बाद है बिस्त दोआब, बिस्त दोआब, बिस्त से ब्यास, सास से सतलज, बिस्त दोआब व्यास और सतलज, व्यास और सतलज नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है। इधर मैंने वैसे लिख भी दिया है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से। इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको लायन नदी भी बोलते हैं, लायन रिवर, या सिंधु नदी, या इंडस रिवर,
ये सब इसी के नाम हैं, सिंधु नदी के ही। फिर बात है झेलम, झेलम का अगर जो हम देखेंगे तो इसका पुराना नाम क्या है, वितिस्ता है, वितिस्ता। फिर उसके बाद है चिनाब, चिनाब का पुराना नाम है अस्किनी, इसको याद रखिएगा। फिर रावी है, रावी का पुराना नाम क्या है, परुसली है। फिर उसके बाद है व्यास, व्यास का पुराना नाम विपाशा है। फिर उसके बाद में सतलज, सतलज का पुराना नाम क्या है, सतुद्री है। तो ये इसके पुराने नाम हैं। उद्गम भी देख लीजिए, सिंधु का मानसरोवर, झेलम का शेषनाग झील, चिनाब का बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा से निकलती है कौन सी, चंद्रभागा दो नदियाँ, दोनों मिलती कहाँ, तांडी स्थान पर मिल जाती हैं, तो इसको याद रखिएगा। फिर रावी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। फिर व्यास कहाँ से निकलती है, व्यास कुंड से निकलती है। और सतलज कहाँ से निकलती है, राक्षस ताल नामक मानसरोवर झील से निकलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और मैं बता दूंगा आपको, अगर जो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर जो वीडियो में कोई कमी रही तो जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।